साथियों, न्यूज एग्रीकल्चर पे आपका स्वागत है। आज दिखाएंगे आपको टमाटर की वैरायटी हिलटॉम। ये देख सकते हो भाई, यहाँ पर ये देख सकते हो भाई, गुच्छे में लगे हुए हैं टमाटर। ये देखो, ये पूरे के पूरे गुच्छे तैयार हो रखे हैं। टमाटर का वज़न कम से कम भी मान के चलो कि जैसे कि अभी मेरे हाथ में काफ़ी तरह के टमाटर अलग अलग साइज़ के, तो अभी मैं इन टमाटरों की वज़न बात करूं तो 120-130 ग्राम वज़न है इसके अंदर, एक टमाटर के अंदर। और टमाटर बिल्कुल टाइट है। गौरव भाई बताओ यार, आ जाओ इधर, आ जाओ। बिल्कुल सर। तो अभी गौरव भाई ने यहाँ पर लगा रखे हैं 3 एकड़ में टमाटर, तो कैसा रिस्पॉन्स आपको? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ये हिलटॉम टमाटर आपके वजह से लगवाया था और इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया है जी। और ये साइज है, और साइज में कोई कहने का मतलब कोई कमी नहीं जी साइज में भी। और फल और भी वैसे कि काफ़ी किसानों के हमारे पास मैसेज आते हैं, कमेंट आते हैं, तो वो कह रहे हैं कि ये ना जल्दी लूज हो जाता है, तो ऐसे नहीं नहीं। अब ये टेम्परेचर कितना था दिन में आज? बिल्कुल हाई था जी। कहने का मतलब आइडिया तो होगा कुछ भी 45-50 के बीच। हाँ, तो देखो उसमें भी अभी देखो पूरे जोर लगा के देखो मुट्ठी में ऐसे बीच लोग फटेगा नहीं। बिल्कुल। तो भाई बिल्कुल। और टमाटर का वजन है ना और भी यहाँ पे, ये देखो भाई, ये टमाटर कम से कम भी 200 ग्राम का टमाटर है। ये 150 से 200 ग्राम तो वजन निकलेगा। और ये बेल की बात करें, होना क्या था ये, अगर बेल की बात करें ना इसके अंदर, तो इसकी ये झाड़ है, ये देखो पकड़ना इसको एक बार, ये झाड़ देखो इसका, आप इसका झाड़ ये इतना है कि बंदा सोच भी नहीं सकता कि इसके अंदर कितने टमाटर लगेंगे। तो मैं देख भाई इधर आगे दिखा, ये देखो जो जिसपे ऊपर से पूरा खुराक जो जिस पौधे को मिल रही है ना ऊपर से, तो नीचे टमाटर तैयार करने लग रहा है। ये देखो नीचे भी गुच्छे लगे हुए हैं इसके, 16-16, 17-17 के गुच्छे लगे हुए हैं। ये देखो अभी यहाँ पर नीचे ये देखो भाई। तो इस टमाटर की मेन खास बात यह है कि साथ साथ में फल भी हमें दे रहा है, हम हार्वेस्टिंग भी कर रहे हैं, साथ में फल भी आने लग रहा है और साथ में तैयार भी होने लग रहा है, कंटिन्यू चलता रहेगा। भाई का कहना था कि 1 महीने और चल जाएगा, लेकिन जिस कंडीशन में यह टमाटर अभी खड़ा है, किसी भी साथी के जिसने भी ये टमाटर लगा रखा है, हिलटॉम वैरायटी है या 4266 वैरायटी है, ये दोनों वैरायटियों के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। अगर किसी साथी ने दोनों वैरायटियाँ लगा रखी हैं तो इनका से एक सेगमेंट है, और आप इनके ऊपर NPK की अच्छी स्प्रे करें, 13045 और 5234-0050 एक स्टेप टू स्टेप इसका स्प्रे करें, और कीड़े के लिए सजेंटा की सेमोडिस स्प्रे करें या बासअप कंपनी की एक्सपोन्स का स्प्रे करें। अगर एक्सपोन्स डालो तो आप डाल सकते हो 34 ml डलेगी एक्सपोन्स, 34 ml डलेगी। काफ़ी साथी 17 ml डाल देते हैं, उससे भाई हमारी डोजेज पूरी नहीं होती, पानी पूरा नहीं मिल पाता खेत में, तो इस वजह से वो आधी दूरी बात रह जाती है, तो किसान कहता है कि रिजल्ट नहीं मिला। और अगर बात करें सेमोडिस की, सजेंटा की आती है, उसके अंदर भी 180 लीटर पानी डालना है, 120 ml डालनी है, 80 ml नहीं डालनी, तो आपको रिजल्ट मिलेगा बिल्कुल परफेक्ट। उस रिजल्ट की अपनी गारंटी रहेगी। किसी भी इलाके के अंदर अगर किसी किसान को ये समस्या है तो वो हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है, 98-138-99-311 पे। कीड़ा भी मर जाएगा और टमाटर भी तैयार करवा देंगे उसका। अभी ये दिखा दो भाई, ये जो बेड है, इस बेड की चौड़ाई की बात करें तो 6 फुट का बेड है ये। एक किले के अंदर कितने बेड थे भाई? 28 बेड थे। और नॉर्मल किसान साथी कितने बेड निकालते हैं? 35 के आसपास में बेड निकाल देते हैं, ये सिर्फ 28 बेड थे, वो भी पूरा कवर कर गया। और 28 बेड में भी आप ना ये दिखा सकते हो, देखो ये बेड है, यहाँ पे टमाटर लगा हुआ है और टमाटर की बेल वहाँ पे जाके और दोबारा से फिर खड़ी हो गई है। ये देखो अब ये बेल इधर आ जाएगी। अब जब तक इसके अंदर ये जितना माल लगा हुआ ना, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो इसके अंदर पूरा का पूरा सेट है प्रोग्राम। ये देखो भाई, जितना भी हटाओगे ना उतने ही टमाटर नजर आएंगे आपको। ये देखो इसके अंदर गड़ भी चुके हैं, हार्वेस्टिंग भी हर रोज हो रही है,
ये मान के चलो हर रोज़ की अगर औसत लगाए तो 70-80 करेट यहाँ ये हर रोज़ निकालते हैं एक एकड़ के अंदर से, क्योंकि इन्होंने 3 एकड़ लगा रखे तो हर रोज़ हार्वेस्टिंग करनी पड़ती है, तो उस हिसाब से साथ साथ तैयार होने लग रहा है और साथ साथ में और वैरायटी के रिलेटेड वैरायटी ये जैसे कि इसको क्लाइमेट का कोई इशू नहीं है, कभी भी लगा सकते हैं। जैसे कि हमने इसको जनवरी में ट्रांसप्लांट कर दिया था ना, जनवरी में हमने ट्रांसप्लांट कर दिया था इसको, उसके बाद ये हर इलाके में जैसे हरियाणा में टेम्परेचर की बात करूँ तो हरियाणा में जनवरी में लगेगा, और जैसे कि छत्तीसगढ़ की बात करूँ तो वहाँ पर लग सकता, अभी भी लग जाएगा वहाँ पर हेल्टोम गोटम भी लग सकता है, 42-66 भी लग सकता है। तो वैसे आप कमेंट करके बताओ आप कौन सी वैरायटियाँ लगाते हो। और देखो भाई टमाटर ये आप देख सकते हो भाई, टमाटर में अगर कमेंट करके मेरे को बताओ कि आपको ये वैरायटी कैसी लगी, हेल्टोम है ये, और सेम मैंने आपको दिखाया था पीछे भी 42-66 भी दिखाया था मैंने आपको, तो ये हमारे 3 एकड़ में लगी हुई है और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। इसकी बेल भी दिखाता हूँ मैं आपको उठा के, एक बार पकड़ना सुक्के में चलते हैं एक बार। ये देखो भाई, ये देखो इसके नीचे पूरे टमाटर हैं, ये देखो। तो अभी ये बेल पूरी कहने का मतलब चल रही है और यहाँ से हार्वेस्टिंग भी हो रही है साथ साथ में, और ये देखो भाई दोबारा से फिर तैयार हो गया माल। और इसके अंदर है ना भाई का कहना ये है, गौरव भाई का, कि इसके अंदर है ना 70 करेट तोड़ते हैं ना, 70 करेट तो एक करेट निकलती है। तो इन भाई साहब से ये जानकारी खुद आप लाइव में बात पूछ सकते हो। कीड़े वाली, कीड़े वाली बताओ भाई। भाई हम 70 हम डेली के मैंने एकड़ में 3-3.5 किले लगा रखे हैं, मैं डेली के तोड़ रहा हूँ, 70-80 करेट मिल रही हैं, लेकिन एक आधी करेट काने की है जिसको। तो दवाई कौन सी यूज करते हो? सेमोडिक्स दवाई यूज करते हैं, 120 ml पर एकड़। तो ये है हमारे भाई का जवाब, और ये बिल्कुल इस चीज़ से आप बिल्कुल संतुष्ट हो? बिल्कुल संतुष्ट हैं सर, जब ही तो ये इतना माल लिए खड़े हैं। तो भाई आप न्यूज एग्रीकल्चर को जल्दी से शेयर कर दो और वीडियो को आप शेयर कर दो भाई, जल्दी से फॉलो कर लो। धन्यवाद।